उत्कलरे नेता नहीं प्रयोजन ओके ओडिशा में देयर इज नो नीड ऑफ एनी लीडरशिप उत्कलर नेता स्वयं नारायण यानी जगन्नाथ जी कुछ लोग दम्भ दिखाते हैं बीच बीच में वो डेमोक्रेसी में ऐसे रावण की दम्भ भी ऐसा होता था कि मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी हूं दुर्योधन का भी ऐसे दम्भ था ऐसे कई लोगों की दम्भ मनुष्य सभ्यता ने देखा है बंगाल में भी हमने किसी की दम्भ देखा था ढूंढने में नहीं मिलते है अभी देखिए आगे क्या होगा उड़ीसा में किससे कंपेयर कर रहे हैं ये मैं छोड़ी आज इतना तक रखिए ना हम आप और मेरा प्रॉमिस हुई थी कि चुनाव 50-60 दिन बचा है पॉलिटिक्स बात नहीं करेंगे आज हम तो आए हैं हमारी मेरे बच्चों को खड़ा करने हम जी। मैं तो आने वाले मेरे नशा चढ़ाएगी 100 क्यूब 2036 2047 ये सुवर्ण काल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समाज कैसे जुड़ता है समाज कैसे जुड़ता है अभी 22 जनवरी को उसका एक झलक मैंने हमने लोगों ने देखा फॉरगेट अबाउट राम मंदिर आंदोलन से छोड़ दीजिए लेकिन देश एकाकार हुआ देश इकट्ठा आया और मैं कहूं उड़ीसा में कम से कम 50 गाने बने होंगे 50 उड़िया लड़का लड़कों का लड़कियों का गाना बना होगा ये तरंग कहा जाता है समाज जिस समय में मन बना लेगा कि हमें ये करना है वो हो जाएगा इसी स्पिरिट में हमने अशोका को थकाया था सम्राट अशोका को हमने हारे नहीं हम लोग उड़िया लोग हम उनको परास्त किए थे मोरल विक्ट्री हमारी हुई थी समाज को दिशा देने के लिए पॉलिटिकल लीडरशिप की भी जरूरत पड़ती है द राइट काइंड ऑफ पॉलिटिकल हमारे उड़ीसा में मैगाजी कहावत है पंडित गोपबंधु दास करके बहुत बड़े समाज सुधारक रेनेसांस चलाने वाले नेतृत्व रहे उन्होंने कभी कहा उड़ीसा को दिखते हुए सब राज्य के एक एक मिजाज होता है मैं उड़िया में पढ़ कह देता हूँ फिर उसको मैं आपको समझाऊंगा उत्कल रे नेता नहीं प्रयोजन ओके उड़ीसा में देयर इज नो नीड ऑफ एनी लीडरशिप उत्कल नेता स्वयं नारायण यानी जगन्नाथ जी कोई देखो ये सब जगन्नाथ जी करा रहे हैं मैं बड़ा भक्त हूँ जगन्नाथ जी का जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।